आपका ये कहना है कि मुझे इस तरह से जीवन जीने की जरूरत नहीं, आपका कहना है कि मैं विजयी जीवन जी सकता हूँ, आपका ये कहना है कि मैं पाप के ऊपर सामर्थ्य रख सकता हूँ, आपका ये कहना है कि ये सच में संभव है। सभी ने कहा कि ये संभव नहीं है। यदि ये सच में संभव है तो मैं बाइबल में हर जगह इसे देखूंगा और इसे समझने की कोशिश करते जाऊंगा। जब आप इसे हर जगह देखेंगे और इसे समझेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे और आप विजय में निश्चय ही चलेंगे। देखिए, यही तो सत्य तक पहुंचना, इससे कोई आसान तरीका नहीं है। Your presence.
हम गुलाम थे, चुनाव से नहीं, हम तो गुलाम थे। गुलाम थे करके पाप करते थे, विश्वासी के नाते। हर विश्वासी जो पाप करता है, याद रखिए, हर विश्वासी जो पाप करता है वो चुनाव से पाप करता है, क्योंकि उसे पाप नहीं करना है, उसे नहीं करना है, वो नहीं कर सकता, वो उससे आजाद हो सकता है, उस पर जय पा सकता है, वो विजयी रूप में जी सकता है, लेकिन पाप का चुनाव करता है। यदि हम पाप करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उसका चुनाव किया, और कोई दूसरा बहाना नहीं है। हमने खुद पाप का चुनाव किया, इसलिए हम पाप करते हैं। हमने चुनाव किया है, चुनाव के बिना ये कभी नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए रोमी अध्याय 6 में, और चलिए इसे देखते हैं, वचन 11। ऐसे ही तुम भी, ऐसे ही का मतलब वो कहता है, जबकि तुम अभी पाप की अधीनता में नहीं रहे, जबकि पाप तो शरीर के द्वारा आना चाहता है, अब आप अच्छी दशा में हो सकते हैं और आप अपने शरीर को वश में लेकर आ सकते हैं, और पाप आपको गुलाम नहीं बना सकता है। इसी तरह से अपने आप को पाप के लिए मरा समझो, समझो शब्द जरूरी है, ये तो गणित का शब्द है, इसका मतलब है गिनती करें, इसे जाने, इसे माने, उसे वहां पर रखें, ये गणित का शब्द है, इसका मतलब इसे लेखे में ले, इसे समझे। साथ ही ये गणित से बाहर भी उपयोग होता है, इसका मतलब है कि सोचे, विचार करे, सत्य की बात के साथ में इसे सोचे, गहराई से सोचे, कि इसे परखें, इसकी ओर ध्यान दे। तो जब कहता है समझे, ये पुरानी बात है, तो इसे पढ़े कि ऐसे ही सोचे, ऐसे ही गहराई से सोचे। देखिए, इसलिए सत्य बहुत महत्वपूर्ण है, मसीह प्रचार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, मसीह प्रचार आपको सोचने लगाता है, ये सही सोच में लेकर जाता है, जिससे आप सही तरीके के जीवन में आते हैं। यीशु ने कहा, लोग सोचते हैं यीशु ने कहा कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा, नहीं, उसने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, इसे अधूरा ही न कहें, तुम सत्य को जानोगे। देखिए, सत्य आपको आजाद नहीं करेगा, लेकिन आप जिस सत्य को जानते हैं वो आपको आजाद करेगा। यहां बहुत सत्य है, लेकिन बहुतों को आजाद नहीं किया। जब आप सत्य को जानेंगे, तभी सत्य आपको आजाद करेगा। हम चर्च में आते हैं किस लिए? कि सत्य को जानें, सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य को कैसे जानेंगे? केवल बाइबल पढ़ने से, कई बार तो इसे समझ भी नहीं पाते, तो प्रचार भी चाहिए, आत्मा के अभिषेक का प्रचार चाहिए, कि कोई समझाए और हम सत्य को जाने। जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। बहुत से लोग सत्य को नहीं जानते, वो सत्य को नहीं जानते कि वो पाप से आजाद हो चुके हैं, कि पाप का उन पर कोई अधिकार नहीं है, पाप को उनके जीवन पर हावी होने वाली बात नहीं होनी है, कि वो अपने शरीर को वश में लेकर आ सकते हैं, कि वो अपने शरीर से बड़े हैं और शरीर उनके ऊपर हावी नहीं हो सकता, वो शरीर पर राज्य करते हैं। विश्वासी के नाते आपको अच्छे स्तर पर रखा गया है, विश्वासी के नाते आप जीवित हैं, आप परमेश्वर के लिए जीवित हैं, उसके साथ में जुड़े हैं, और अब आप अपने शरीर पर राज्य अधिकार कर सकते हैं, आप अपने शरीर को वश में लेकर आ सकते हैं, ये विश्वासी है। लेकिन बहुत लोग सत्य को नहीं जानते हैं, वो ये सत्य नहीं जानते कि वो अपने शरीर पर राज्य कर सकते हैं, और बहुत से लोग केवल इससे अनजान ही नहीं हैं, लेकिन वो इसके बारे में सोचने के लिए समय भी नहीं निकालते हैं। शायद वो यहां वहां एक खास संदेश सुन ले, लेकिन वो रुक कर इसके बारे में सोचते नहीं हैं, इस बारे में गहराई से नहीं सोचते, मैं कौन हूं, पाप के बारे में मेरा जो औहदा क्या है। बहुत से लोग पाप से लड़ते हैं, पाप की समस्या है हमें, लेकिन कभी हम गहराई से नहीं सोचते कि बाइबल क्या कहती है, पाप के बारे में मेरा औहदा क्या है, क्या मैं पाप के नीचे हूं या फिर मैं आजाद हूं, बाइबल क्या कहती है। क्या बाइबल ये कहती कि जब तक मैं संसार में हूं तो मुझे पाप के लिए असफल होना है और इस तरह पाप की अधीनता में रहना है, या फिर मैं सफलता पा सकता हूं, पाप के ऊपर जय पा सकता हूं, बाइबल क्या कहती है। देखिए, बहुत से लोगों के पास समय नहीं कि इस बात के बारे में सोचे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, और इसीलिए वो पाप से आजाद नहीं है। उन्होंने बपतिस्मा लिया, आत्मा से भरे हैं, ये और वो हैं, लेकिन अभी भी पाप से आजाद नहीं है, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए समय नहीं है। ये कहता है खुद को जानो कि पाप के लिए मरे और परमेश्वर के लिए जीवित है। इन बातों के बारे में गहराई से सोचे, सोचे कि पाप के लिए मरा होने का मतलब क्या है और परमेश्वर के लिए जीवित होने का मतलब क्या है, और इसे समझ ले। ये जान ले कि आपके साथ में यही हुआ है, आप पाप के लिए मर गए और परमेश्वर के लिए जीवित हैं। आप नए व्यक्ति हैं, आप में नई योग्यता है, आप में नई क्षमता है। हाँ, पाप शरीर में काम करें,
लेकिन अपने शरीर को आप वश में लेकर आ सकते हैं। एक मनुष्य है बाइबल में, वो कहता है मैं अपने शरीर को वश में लेकर आ सकता हूं। आप ऐसे हो सकते हैं। मसीहत इसी के बारे में है। बहुत से लोग नहीं सोचते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए कोई धनी मरता है और पीछे 100 करोड़ छोड़कर जाता है, ठीक है, अब हर कोई सुनेगा उसका कोई वारिस नहीं है, तो राह देखते हैं कि कोई आएगा जो दावा करे कि उनकी सारी चीजों का वारिस हो। आखिर में कोई मिलता है 100 मील की दूरी पर और वो पाते हैं कि इस आदमी का केवल यही एक जीवित वारिस बाकी है, तो उसके पास जाते हैं वकील और पाते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं, वो बहुत ही गरीब है और वो भीख मांगते हैं। और वो वहां जाते हैं और मार्केट की जगह पर भीख मांगते देखते हैं और उससे जाकर कहते हैं, सुनो, पता है तुम्हारे रिश्तेदार बहुत धनी थे और वो आदमी अभी गुजर गए हैं, उनके बाद में कोई भी नहीं रहा है और हमने बहुत से लोगों को ढूंढा और पता चला कि केवल तुम ही एक वारिस जीवित हो। वो 100 करोड़ छोड़कर गए हैं, लेने के लिए कोई नहीं है, केवल तुम ही जीवित हो और इससे तुम प्राप्त कर लो। और वो आदमी वहीं बैठता है। अब मैं विश्वासियों के बारे में कहता हूं, अभी आप सुनिए। वो वहां बैठता है और वो बिल्कुल अलग फ्रिक्वेंसी पर है, भीख मांगने में व्यस्त है। देखिए, वो केवल भीख मांगने में व्यस्त है, वो जीवन भर भीख मांगते रहा है। वो नहीं सोचता कि 100 करोड़ उसे दिए गए हैं और ये सब कुछ, मेरे प्रभु कौन मुझे 100 करोड़ देगा, मैं भिखारी जन्मा हूं, भिखारी हूं, भिखारी जैसे ही मर जाऊंगा तो फिर आज उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुझे कहां भीख मांगनी है, रेलवे स्टेशन पर फिर या फिर बस स्टैंड पर। भीख मांगने के लिए अच्छा चर्च कहां पर है और कहां लोग देंगे। मैं कहां पर जा सकता हूं जिससे मुझे कल से 50 रुपए ज्यादा मिल सके, और कौन मेरी जगह पर खड़ा है और उस जगह के लिए जाकर उससे लड़ता है। और उसके सोच का स्तर यही है, तो वो वहां पर नहीं लेना चाहता है। फिर वकील आकर उससे कहता है, वो कहता है तुम्हें पता है तुम कौन हो, पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हें पता है तुम्हें क्या क्या दिया गया है। वो कहता है थोड़ा सा हटो, भीड़ आ रही है, तुम मेरी भीख मांगने को बर्बाद कर रहे हो, चलो बाद में बात करेंगे, अभी बात करने के लिए समय नहीं है। जानते हैं 100 करोड़, अरे 100 करोड़, रास्ते से बाजू हटो, मुझे आज बस 50 रुपए चाहिए ताकि मैं अच्छे से दोपहर में भोजन कर सकूं, बाजू हटो। देखिए, इसी तरह का रवैया बहुत से विश्वासी लोगों में होता है। इसके लिए माफ करना, वो इसी स्तर पर हैं। चर्च ऐसी जगह जहां पर हम मसीह के धन के बारे में शिक्षा देते हैं कि इस नई वाचा के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, और बहुत से लोग तो बस वहां पर बैठे होते हैं और वो विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। वो विश्वास नहीं करते ये मसीह शिक्षा है, वो विश्वास नहीं कर सकते कि प्रभु ने इतना दिया है, वो तो इस पर विश्वास ही नहीं करते, वो नहीं जानते हैं। वो कहते हैं मेरे प्रभु मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। वो आदमी वहीं पर बैठता है और कहता है अगले हफ्ते आ जाना, छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन मैं भीख नहीं मांगता हूं, कोई बाहर नहीं निकलता है, चलो उस दिन बात करते हैं, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये तो उनके लिए 100 करोड़ छोड़कर गए, लेकिन यदि उनके लिए कोई 10,000 करोड़ भी छोड़कर जाएं, वो 1 रुपए का भी आनंद नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो बाकी सारी बातों को छोड़कर इन बातों पर गौर नहीं करते हैं जो उनके सामने आया है। वो नहीं कहते रुकिए 1 मिनट, यहां पर आना, हाँ बताइए क्या कहा तुमने, 100 क्या करोड़। वो उठकर खड़े होता है, कहता है रुकना 1 मिनट, इसे फिर से कहना, 100 कितने, मजाक कर रहे हो क्या, सच में, सच्ची, कहां, क्या ये सच में वहां है, सच है, मुझे पेपर दिखाओ, चलो मैं इसे देखता हूं, इसे पढ़ता हूं, इसे देखता हूं। उसके पास ये मनोदशा नहीं, मुझे दाऊद पसंद है, वो एक जगह पर जाता है गोलियत से लड़ते समय, गोलियत प्रतिदिन चुनौती दे रहा था, दाऊद वहां पर 16 साल के लड़के के रूप में जाता है। वो देखता है ये आदमी दानव जैसे वहां पर खड़े रहकर चुनौती देता है और कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यहां तक कि इसराइल का राजा शाऊल, उसने लोगों से कहा कि कोई भी इस दानव को मारेगा वो उसे देगा महान धन संपत्ति। बाइबल में पढ़िए, 3 बातें वो करेगा, वो उसे महान धन संपत्ति देगा और अपनी बेटी से उसकी शादी करवाएगा और उसे टैक्स फ्री करेगा, उसके पूरे परिवार को इसराइल में टैक्स फ्री करेगा। कितने लोगों को पसंद है ये, अगर धन आता है तो आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है, ये अच्छी डील है, यहां पर बहुत धन संपत्ति और कोई टैक्स भी नहीं है।
और राजा की बेटी भी मिलेगी, यानी वो बहुत ही सुंदर होगी, जानते हैं। यानी तीन बातें हैं, किसी ने कहा कि राजा बहुत धन संपत्ति देगा, अपनी बेटी देगा और पूरे परिवार के लिए कोई टैक्स नहीं, और उसने कहा रुको एक मिनट, 16 साल का लड़का है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है, गहराई से सोचता है, बाकी सारी बातों को छोड़कर इसके बारे में सोचता है। अब देखिए उस अध्याय को आप पढ़िए, वो दो चार लोगों के पास में जाकर उनसे यही सवाल पूछता है, राजा ने क्या कहा, निश्चित होना चाहता था। और दूसरे आदमी ने कहा बहुत धन संपत्ति और अपनी बेटी देगा और टैक्स फ्री भी कर देगा। उसने कहा रुको एक मिनट, इस बूढ़े आदमी से पूछता हूं, राजा ने क्या कहा है, राजा अपनी बेटी देगा, बहुत सी धन संपत्ति और कोई टैक्स नहीं, दूसरे के पास जाता है, राजा ने क्या कहा है, मतलब वो सब कुछ छोड़ देता है, वो मानो ऐसे हो जाता है, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि वो अपनी बेटी देगा और वो धन संपत्ति देगा और वो पूरे परिवार को टैक्स फ्री कर देगा, तो मैं बाकी सारी चीजों को छोड़ दूंगा, इसे देखूंगा और इसी पर गौर करूंगा। और फिर मैं आपको बताऊं, उसने उन सारी बातों को देखा और फिर उसके बाद में उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया, चलो इससे लड़ते हैं बहुत धन संपत्ति के लिए। देखिए ये एक अच्छी प्रेरणा है, बहुत धन संपत्ति और राजा की बेटी, पता नहीं वो अच्छी बात है या नहीं। और कोई कर नहीं, वो तैयार था, वो किसी दानव या किसी से भी वहां पर डर नहीं रहा था। यदि राजा ने इन तीन बातों की प्रतिज्ञा की है तो मैं इसे जरूर कर दिखाऊंगा, मैं कुछ भी हो इसे प्राप्त करूंगा, जानते ये मनोदशा थी। और मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ही सत्य को सुना और जब कई साल पहले किसी ने प्रचार किया, केवल राजा शाऊल यहां इन तीन बातों की प्रतिज्ञा नहीं करता, लेकिन राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हजारों बातों की प्रतिज्ञा करता है। और मैंने इसे देखना शुरू किया, देखिए मैं तो बस दूसरों के जैसे ही था, एक धार्मिक व्यक्ति था, बाइबल के बारे में अपनी समझ रखता था, बाइबल के बारे में सक्रिय समझ रखता था, जानते हैं, मैं व्यस्त भिखारी जैसे था, जानते हैं, अपने छोटेपन में बहुत व्यस्त था, मैं सोचता था ओ मैं बेचारा गरीब भारतीय हूं, ओ हाय मुझ पर, जानते हैं, जीवन में मुश्किल का सामना करेंगे और स्वर्ग में पहुंच जाएंगे और सोने की सड़कों पर चलेंगे, इस तरह की सोच मुझ में थी, जानते हैं। और जब अचानक कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से बातें सिखाई कि उस राजाओं के राजा ने क्या प्रतिज्ञा की है, मैंने कहा बाजू हटो, हाँ इसे फिर से कहिए, उन्होंने कहा वो उस सभा के बारे में कह रहे हैं, मैं उस सभा में जाता और मैं उसे फिर से सुनता, और कहा कि वो उस सभा में इसी के बारे में बता रहे, तो वहां पर जाता और मैं फिर से उसे सुनता, और केवल यही काफी नहीं था, मैंने उनके सारे टेप्स खरीदे और सैकड़ों डॉलर वहां पर खर्च किए और टेप्स खरीद कर उसे सुना, डजनों बार सुना, कई बार 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 सुनते गया और उस पर गौर किया, क्या ये सत्य है, क्या ये वास्तविक है, क्या ये सच है, और ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ ये सच है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब आप सत्य को इस तरह से देखते हैं तभी आपको लाभ मिलता है उस सच से, केवल संदेश सुनने से नहीं, जब आप सत्य की ओर गौर करते हैं और ये सोचते हैं कि देखो ये मेरे लिए किया गया है, आपका ये कहना है कि मैं पाप से आजाद हूं, आपका ये कहना है कि जो मुझ में रहता है वो तो पाप की सामर्थ से भी महान है, आपका कहना है मुझे पाप नहीं करना है, आपका ये कहना है कि मुझे इस तरह से जीवन जीने की जरूरत नहीं, आपका कहना है कि मैं विजयी जीवन जी सकता हूं, आपका ये कहना है कि मैं पाप के ऊपर सामर्थ्य रख सकता हूं, आपका ये कहना है कि ये सच में संभव है, सभी ने कहा कि ये संभव नहीं है, यदि ये सच में संभव है तो मैं बाइबल में हर जगह इसे देखूंगा और इसे समझने की कोशिश करते जाऊंगा, जब आप इसे हर जगह देखेंगे और इसे समझेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे और आप विजय में निश्चय ही चलेंगे। देखिए यही तो सत्य तक पहुंचना है, इससे कोई आसान तरीका नहीं है। एक भाई ने मुझसे कहा मेरे घर के पास में एक चर्च है भाई, मैं धीरे धीरे चलते हुए वहां पर जाता हूँ, वहां बैठता हूँ, कुछ गीत गाता हूँ, ऑफरिंग देता हूँ, वो छोटा संदेश देते हैं और उसके बाद में मैं घर लौट आता हूँ। मैंने कहा इसीलिए आप ऐसे हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, अगर आपको कुछ होना है तो ऐसी जगह देखें जहां पर सत्य प्रचार किया जाता है और आपको सत्य के पीछे चलते चले जाना है, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, आपको वहां पर जाना है, उसे खोजना है, आपको उसे खरीदना है, बाइबल कहती है उसे खरीद ले, और सोना और चांदी से ज्यादा उसे आप ढूंढते चले जाएं, उसके पीछे जाते रहें, हाँ बुद्धि के पीछे जाएं। यह अजीब है, देखिए नीति वचन अध्याय 8 में इस तरह से कहता है, जैसे लड़की के पीछे जाते हैं वैसे इसके पीछे जाएं,
और जब मिल जाए तो उसे न छोड़े। ये यही कहता है, बुद्धि के बारे में कह रहा हूं, लड़की के बारे में नहीं। यदि ऐसे कहे तो लोग समझ पाएंगे, ठीक है, लोग लड़की के पीछे जाना जानते हैं, बुद्धि के पीछे जाना नहीं जानते। बुद्धि के पीछे जाए तो आपको सब कुछ मिलेगा। बुद्धि से ही घर बनता है, समझ के द्वारा वो स्थापित किया जाता है और ज्ञान के द्वारा ही ये भरा जाता है। हर तरह की अच्छी और बहुमूल्य चीजों के द्वारा बाइबल यही तो कहती है। जब आप उसे ढूंढते हैं, उसके पीछे जाकर उसे पाते हैं, आपका हृदय, आपका जीवन हर एक भली चीजों से भर जाएगा, जो कीमती उन चीजों से भर जाएगा। आप इसे ऐसे ही करते हैं, इसी तरह से अपने आप को जाने, क्या जाने, अपने आप को पाप के लिए मरा जाने। यीशु आपके लिए मरा, ये अलग कहानी है, वो आपको उद्धार देगा। बहुत से लोगों के पास ये है, यीशु उनके पाप के लिए मरा, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि वो खुद पाप के लिए मर जाएं, पाप के लिए मरे हैं, वो ये नहीं समझते हैं। पाप के लिए मर गए मतलब आप पाप के ऊपर में विजयी रूप में चलते जाएंगे। अपने आप को पाप के लिए मरा जाने, इस तरह से सोचे कि आप पाप के लिए मर गए हैं और पाप का आप पर अधिकार नहीं है, और इस बात के बारे में सोचे कि आप परमेश्वर के लिए जीवित है। कुछ लोगों के लिए मसीह जीवन केवल नकारात्मक बातों को दूर करना है, सारे पाप। जैसे एक भाई ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, कोसता नहीं हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, ना कुछ खाता हूं, ना थूकता हूं। वो ढंग से खाना भी नहीं खाते, इतने आत्मिक हो गए हैं, जानते हैं। और मैंने कहा कि आपको वो कहानी याद है, एक दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को छोड़कर जाती है, दूर जाती है, बाद में पाती है कि ये घर खाली है और साफ सुथरा है, तो और सात दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है कि अब वो उसमें आ जाए। मसीही जीवन ये तो खुद को साफ करना नहीं है सारी बुरी चीजों से, मसीह जीवन तो अपने जीवन को भरना है सारी अच्छी चीजों से। देखिए, साफ करना तो इसका एक भाग है, भरना तो ये बाकी भाग है। और साफ करना जल्दी से हो सकता है, लेकिन भरना आप इसे जीवन भर भर सकते हैं। आमेन। कितने लोग इसे भर रहे हैं? इसी तरह से जाने, कितने लोग गहराई से सोच रहे हैं, कितने लोग ये कहेंगे कि मैं हर हफ्ते कुछ घंटे बिताऊंगा कि इन बातों को सुनो, इन बातों को समझो, इन पर सोचते जाऊं, इसके बारे में गहराई से सोचू, देखू कि क्या इसमें कोई सत्य है, देखू कि क्या इसमें कुछ है, देखू क्या ये सच है, क्या मैं ऐसे जी सकता हूँ, क्या मैं पाप से आजाद हो सकता हूँ, विजयी जीवन जी सकता हूँ। यदि ये सत्य है तो मुझे ऐसे जीना होगा और मैं ऐसे जी सकता हूँ। यदि इसे समझने के लिए आप अपना समय देते हैं दोस्तों, तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही होता है। Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, your word to light my way. You've given me spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. You are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word to light my way. You've given me spirit with new mercy.
mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. You are so good, Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank you. Oh, I just want to thank you with every beat of my heart. Oh, I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you.